इस मूवी के अंदर जो आप सबसे पहली चीज जो अलग देखेंगे वो ये है कि संजय मिश्रा ने एक बिल्कुल डिफरेंट किरदार किया है, जो संजय मिश्रा का अब तक की पहली मूवी के अंदर आपने नहीं देखा होगा। म्यूजिक भी फिल्मों का बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो म्यूजिक किस तरह का चाहते हैं आप फिल्म के लिए, और ऐसा कोई म्यूजिक हो पास्ट में जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया, कोई गाना अगर? मेरा मानना यह है कि म्यूजिक सबसे अच्छा वो माना जाता है किसी फिल्म के लिए जो फिल्म की स्टोरी और जोन से भी कनेक्ट करता हो। अगर मैं बात करूं कि जैसे पीकली लाइव के अंदर वो कनेक्शन किया था उन्होंने जिस तरह के गाने का, महंगाई वाला, उस टाइप के, मतलब एक कनेक्ट था उस जोन की स्टोरी के साथ। अगर मैं इधर बात करूं जो आने वाले रिसेंटली टाइम के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था मुक्केबाज के अंदर, कि जिस तरह स्टोरी जा रही थी उस कंटेंट के साथ जो लिरिक्स थे वो भी वो कनेक्ट हो रहे थे। मतलब कुल मिला के जो स्टोरी के साथ जो कनेक्ट होता है, मतलब जो जिस तरह की मूवी हो, जिस तरह का जोन हो, उसी से जो म्यूजिक कनेक्ट होता है, मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। हमने पहली मूवी के अंदर भी कोशिश की है कि जिस जोन की मूवी है उसी जोन का म्यूजिक रहे, मतलब अलग ना लगे। जैसे आपने कहा कि आप हर मूवी के साथ एक सोशल मैसेज देना चाहते हैं, हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, तो शुरुआत किससे करने वाले और आगे आने वाले समय में क्या क्या मतलब सोशल मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, और कौन से मुद्दे पर आप फोकस करने वाले? पहले तो हमारी मूवी के अंदर ही जो मैसेज है वो यही है कि सबसे पहले इंसान को अपने अंदर की बुराई को मारना चाहिए, और अपने अंदर की बुराई को हम किस तरीके से देख पाते हैं और किस तरीके से उसको जज कर पाते हैं वो सारा हमने पहली मूवी के अंदर रखा है। ये तो सबसे पहली जरूरत है, सबसे पहला सोशल मैसेज ये है कि आप अपने अंदर के अच्छे इंसान को बाहर लेके आए, अपने इंसान की अंदर बुराई को समझ के उसको खत्म करें। बाकी जितनी भी चीजें हैं सोसाइटी के अंदर जो भी चेंज है वो पॉइंट टू पॉइंट हम हर मूवी से उठाते रहेंगे। अब देखो कोशिश करते हैं कि कितना उसको कनेक्ट कर पाते हैं। सर, राजनीति काफी फिल्म के लिए ज्वलंत इशू होता है, तो क्या आने वाली आपके मूवी में राजनीति भी कुछ रहेगा? कोशिश करेंगे दूर रहें, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जो है वो ऐसे बन जाते हैं कि फिल्म एज ए बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत नेगेटिव चली जाती है। कभी हमारी कोशिश रहेगी हम राजनीति दूर रहे। राजनीति के अलावा बहुत सारी सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि हमने नेताओं को सुधारने का वो जिम्मा लिया हुआ है। सोसाइटी के जो खुद के सोशल मुद्दे हैं हम उनको उठाएंगे ना। ऐसा कोई एक्टर है जिसके साथ काम करने की इच्छा हो या फिर ड्रीम हो, अगर शेयर करना चाहूंगा? मैं इसमें थोड़ा सा राय रखता हूँ। मेरा मानना यह है कि स्टार को मैं इतना वैल्यू ना देके, मैं चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट को इतनी वैल्यू मिले कि स्क्रिप्ट खुद बताए कि उसकी कास्टिंग कैसी होनी चाहिए। और मेरा मानना यह कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि छोटा बजट बड़ा बजट, इसमें भी मेरी थोड़ी सी अलग राय है। मेरा मानना है कि स्क्रिप्ट का बजट होता है, ना कि बजट से स्क्रिप्ट होती है। अगर स्क्रिप्ट वो कहती है कि मैं तो इस जोन के लिए फिट बैठूंगी, तो मेरा मानना है फिर उसके साथ न्याय तभी हो सकता है जब उसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को उसको सपोर्ट किया जाए। राइट। इसके अलावा बॉलीवुड में जो एक मुद्दा है वो काफी समय से चला रहा है, जैसे कास्टिंग काउच और मी टू कॉन्ट्रोवर्सी चली आ रही है, तो सर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपका जो प्रोडक्शन हाउस है वो कितना ऑथेंटिक? ये क्वेश्चन इतना अजीब लगता है मेरे को। एक्चुअली मेरे को लगता है कि जितना भी मैं इस बारे में जानता हूँ, शायद वो सब लोग जाए लाइन में शायद तो बाहर हो चुके हैं या लाइन में बाहर होने की कगार पे जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। मैं इस तरह के मुद्दे किसी भी जिन लोगों के बीच में मैं उठता बैठता हूँ वहां मैंने कभी इस तरह की चीजें नहीं सुनी। आखिर में जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को और कुछ कहना चाहेंगे हमारी जो आप देख रहे हैं आपको? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी बैकग्राउंड जो हमारा फिल्म डिवीजन है उसका नाम वी स्क्वायर फिल्म्स है, और वी स्क्वायर के पीछे हमारी बहुत खूबसूरत सोच है। हमारा मानना यह है कि दुनिया में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं दो लोगों के अंदर होते हैं, हर प्लेयर अपने हाथ को एक बार उठाता है, वो सिंबल होता है वी का, वो शो करता है कि मैं जीत गया। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिशियन जीतता है तो डबल वी साइन देता है, जो सिंबल डबल विक्ट्री होता है कि आपकी जीत में हमारी जीत है। तो हम एक ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं जो सब लोगों को पूरा एंटरटेनमेंट करे और हमें एक ऐसा मतलब पूरी तरह से मैसेज जा पाए, विन विन सिचुएशन, द पावर ऑफ डबल विक्ट्री, द वी स्क्वायर फिल्म्स। लास्टली जाते जाते आज वुमेन्स डे का मौका है, वुमेन्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे और अगर आपकी तरफ से एक विश हो जाए सबके लिए? उनकी ब्लेसिंग हमें चाहिए हमेशा, चाहे वो किसी भी रूप में होती है, चाहे माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, बेटी के रूप में, हर रूप के अंदर, हर डे के अंदर। मेरे मानते हैं वुमेन्स डे तो शायद हर दिन वुमेन डे है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि उनकी ब्लेसिंग के बिना हम एक दिन भी नहीं पूरा कर सकते। तो एक सिंगल डे को वुमेन डे कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम नहीं आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।